अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आपने टाइटल में देख ही लिया है कि मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि है वॉकअबाउट पेज के बारे में, जो कि फेसबुक पे पेज है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि इस पेज को आपने सर्च कहाँ से करना है और मैंने कहाँ से परचेज़ की है। तो जी, आपने वॉकअबाउट का पेज फेसबुक पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर इनका नंबर भी अवेलेबल है और ये देखिए नंबर ऑफ जो है वो कॉपी है रीजनल ब्रांड्स की। एक्चुअली रीजनल नहीं होती है, ये कॉपी होती है जो कि आपको मिलती है ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े गुच्ची, अरमानी और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स। तो यहाँ पर आपको बैग्स मिलते हैं, बहुत सारे शूज़ मिलते हैं। तो जी, मैंने यहाँ से ये वाला बटरफ्लाई वाला आर्टिकल सिलेक्ट किया जो कि मैंने रमज़ान से कोई 8-10 दिन March 26 को मैंने ऑर्डर किया था। आई रिमेंबर द डेट, जिसके लिए मैंने इनको एडवांस दिया 1000 रुपीज़। बैंक से इनको मैंने ट्रांसफ़र किया और जी उसके बाद मुझे रमज़ान में जो है वो ये फुटवेयर मुझे आया था जो कि डैमेज पीस था। वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि वो उसमें क्या डैमेज था। तो ये देखिए, ये आर्टिकल्स जो हैं आपको इन प्राइस में मिल सकते हैं। मोस्टली इनके जो फुटवेयर हैं वो 3000 और 4000 5000 के अंडर ही आते हैं। तो ये वाला जूता जो कि मेरा डैमेज था, इन्होंने बाद में दोबारा से सेल पर लगाया कि 4000 में कोई ले ले। एक्चुअली मैंने 4500 में परचेज किया इनसे। तो जी, ये है वॉकअबाउट का बॉक्स, यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा है। अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इनका फेसबुक पेज है, इनका इंस्टाग्राम है और जी इनका व्हाट्सएप भी है। यहाँ से एक लेडी आपको डील करती हैं, सुमेरा उनका नाम है, जो कि अच्छी कोऑपरेटिव हैं। मतलब उन्होंने डैमेज फीस पर बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ी सी बात की और उसके बाद वो एग्री हो गई मेरा डैमेज पीस वापस लेने के लिए और उन्होंने मुझे न्यू पेयर मंगवा के दिया, जिसके लिए मुझे बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ा और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद मुझे फाइनली मेरा जूता जो है वो चेंज होके वापस आ गया है। तो मैंने सोचा कि एक बड़ी ज़बरदस्ती वीडियो बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसे का आया है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देखा है, वहाँ पर बटरफ्लाई स्टैंड है और यहाँ पर जो है बटरफ्लाई थोड़ी सी डाउन है। और जैसा कि सेलर ने भी बताया कि थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, आ जाता है। तो ये है जी इसकी फ्रंट लुक और इसकी फ्रंट लुक बहुत ही अमेजिंग है। हील बहुत ही हाई है और जब भी आप कोई भी इस तरह का जूता परचेज करें जो कि बाहर से आ रहा है, उसकी हील्स को प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा। और हील ठीक है, पहनी जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा हाई हील है इसकी, ऑलमोस्ट 4 इंचेस टू 5 इंचेस होगी। और जी, ये सारा का सारा एम्ब्रॉयडर्ड फुटवेयर है। इसके साथ ये देखिए सारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है, मेटैलिक सा कलर है इसका, गोल्डन मैंने इसका ऑर्डर किया है। इसमें 3 शेड्स और भी हैं, इसमें सिल्वर है, ब्लैक है, बट मैंने गोल्डन ऑर्डर किया है क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा गोल्ड कलर जो है वो ट्रेंडी है। तो जी, ये बटरफ्लाई जो कि शो स्टॉपर है, जिसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अभी मैं क्या करूँगी, लाहौर लिबर्टी मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है जस्ट फुटवेयर आपका, वहाँ पे हील्स भी कट हो जाती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाहौर लिबर्टी मार्केट से करवा सकते हैं इसको सेट। तो मैं वहाँ इसको लेके जाऊँगी और उसको वहाँ से इसकी जो बटरफ्लाई है उसको थोड़ा सा स्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी और मैं इसकी हील भी एडजस्ट करवाने की कोशिश करूँ, बट शायद मैं ना करूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है हील को सेट करवाना। तो ये देखिए जी, सेकेंड फुटवेयर ये आ गया जो कि मेरा डैमेज चेंज होकर आया है। मैं डैमेज भी आपको दिखाती हूँ अपनी वीडियो में कि उसमें डैमेज क्या था और एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी क्या। तो ये देखिए जी, ये है इसकी हील और नो डाउट फुटवेयर बहुत ही अच्छा है, जिस तरह का पिक्चर में है ऑलमोस्ट उस तरह का ही आया है। बस बटरफ्लाई स्टैंड नहीं है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि आप कॉपी में थोड़ा सा तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो पर्सनली मुझे अच्छा से डील किया, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 1 मंथ का कम अज़ कम आप एस्टिमेट रख के इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जूता पसंद है तो आप इनके पेज पर जाके बाय कर सकते हैं। तो ये है जी मेरा फुटवेयर जो कि बड़ा ही अमेजिंग है, पार्टी वेयर कैजुअल दोनों में यूज़ होने वाला है। और मैंने अब इसको अपने लिए ईद के लिए मंगवाया था, मगर अभी वापस ईद आने वाली है तो मैं उस पर यूज़ कर लूँगी इसको। तो ये है जी मेरा खूबसूरत सा जूता। अभी मैंने आपको डैमेज भी दिखाना है, तो चलिए आपको डैमेज दिखाते हैं। तो देखिए जी, ये था डैमेज, आप साइड से देख सकते हैं बटरफ्लाई पूरी तरह से क्रैक है। ये एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से बटरफ्लाई क्रैक है और ऑलमोस्ट ये सेकंड फुटवेयर है मेरा। फर्स्ट फुटवेयर भी मैं आपको दिखाती हूँ, राइट एंड लेफ्ट दोनों दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से सेंटर से भी कितना बुरे तरीके से डैमेज है। ये दोनों के दोनों फुटवेयर ऑलमोस्ट मेरे डैमेज थे, जो कि बटरफ्लाई के लिए ही मैंने इसको परचेज़ किया था। मुझे बहुत अट्रैक्ट की थी बटरफ्लाई ओरिजिनल पिक्चर में,
तो मुझे यहाँ ये कॉपी सेल करती हुई नज़र आई, तो मैंने इनसे बाय कर लिया। तो 4500 मैंने ये सिर्फ बटरफ्लाई के लिए ही खर्चा था, और जो बटरफ्लाइज थी दोनों की दोनों डैमेज आई थी। तो ये देखिए क्लोज़अप में कितना ज़्यादा डैमेज है कि ऑलमोस्ट अगर मैं इसको एक आधा दफ़ा पहनती तो पूरी तरह से क्रैक हो जाता। तो उन्होंने मुझे वापस करके आफ्टर 20 to 25 days ईद के बाद मुझे वापस से भिजवा दिया, और फाइनली मेरा जूता मेरे पास आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉकअबाउट आपके अच्छे से कॉपरेट करने के लिए। तो ये था मेरा एक बहुत ही अच्छा सा रिव्यू। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।